जय माता दी। बेटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। जिन्होंने भी आपके लाइफ में, आपके और आपके 100% के लाइफ में किसी भी प्रकार से थर्ड स्थिति क्रिएट करने की कोशिश की है, जिन्होंने भी आपके जो है सैक्रल चक्र पर, आपके क्रिएटिविटी पर यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश की है, आपके हार्ट चक्र पर, आपके पर्सन के थ्रोट चक्र पर, थर्ड आई चक्र पर, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि उनके लाइफ में ऐसी सिचुएशन, एक ग्रहण की स्थिति जो आपके लाइफ में वो क्रिएट करना चाहते थे, वो उनके खुद के लाइफ में यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो आपके लाइफ से सारी स्थिति जो है हील हो रही है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये सारी स्टक स्थिति आपके लाइफ से हील होते हुए देख रही हूँ मैं। किसी ने आपके लाइफ में देखे थर्ड सिचुएशन, थर्ड स्थिति क्रिएट करने की पूरी कोशिश की है। अब ये हुआ नहीं है, ये अलग चीज़ है आपकी लाइफ में, क्योंकि डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। आप यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, आपको कंफ्यूज करना, आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना, जिससे कि आप अपने कार्य को, जो आपका हीलिंग का कार्य है, जो आप लोगों को हील कर पाएंगे, जो आप लोगों सोशल वर्क का भी काम हो सकता है आपका कार्य, यहाँ पर जो लोगों की भलाई का आप कार्य करते हैं उसे रोकने के लिए किसी बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी ने, किसी बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन ने ये सारी चीज़ें की है। ये मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते हैं। आपके लाइफ में जो अबंडेंस आते रहता था उसे यहाँ पर रोकने के लिए सारी चीज़ें, कई बार आपके लाइफ में ये चीज़ें हुई है, लेकिन अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। देखिए कन्फ्यूज़न की एनर्जी भी है, ब्लैकनेस की एनर्जी भी है, आपके पर्सन को डिस्ट्रैक्ट करने की भी एनर्जी है। ठीक है, ये बिल्कुल हो सकता है कि आप बैलेंस थे लेकिन आपके पर्सन बैलेंस नहीं थे, जिसकी वजह से सारी चीज़ें उनके तरफ इन मैच्योर एनर्जी की वजह से ज़्यादा प्रभावित हुई है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि अब आपके लाइफ में और आपके सोल पर्सन के लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहा है। काफ़ी मेहनती आप दोनों ही हैं, लेकिन आप लोगों का विश फुलफिलमेंट ना हो, आपके लाइफ में जो भी आप चाहें वो आपको ना मिले, इसलिए ये सारी चीज़ें, और बहुत ही सोच विचार करके, ऐसा नहीं है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे आपके सामने में ऐसा बन सकते हैं कि ये आपके बहुत बड़े वेल विशर हैं, ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप और आपके पर्सन बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन सारी स्टक स्थिति से निकल पा रहे हैं। सक्सेस आपके लाइफ में आ रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रहा है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में जिन्होंने मून की स्थिति यहाँ पर क्रिएट की थी, आपके मनी में ब्लॉकेज क्रिएट किया था यहाँ पर, आपके सेहत में भी, तो वो सारी चीज़ें हील हो रही है। यहाँ पर भी देखिए बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है जो भी है, जिन्होंने इस प्रकार की एनर्जी आपके तरफ सेंड किया, बहुत ही ईगोइस्टिक होंगे आप, उनका बहुत सम्मान करते रहे होंगे क्योंकि आपका एक नेचर है, आप मुझे जो नज़र आ रहा है। ठीक है, आप बहुत ही कप की एनर्जी है, तो बहुत ही इमोशनल व्यक्ति हैं आप, लेकिन उस वक्त में आप बैलेंस नहीं थे जिस वक्त में इन्होंने ये सारी चीज़ें आपके सामने में ही की है। मतलब पहले आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना और फिर आपका हाल चाल पूछना, इस तरीके की एनर्जी रही होगी। ठीक है, लेकिन आप में से बहुत लोगों के लाइफ में क्लियर हो चुका है। आप ड्रीम के द्वारा किसी भी प्रकार से आप इनको पहचान सकते हैं, या आने वाले समय में ड्रीम के द्वारा आपको पता चलेगा ये आपके हिडन इनेमी है, ये आपके वेलविशर बन सकते हैं, ये आपके आसपास के भी लोग हो सकते हैं, आउटसाइडर भी हो सकते हैं, जो आपके फ्रेंड बनते हैं, आपके पर्सन के आसपास के लोग हो सकते हैं, आपके खुद के आसपास के लोग हो सकते हैं। ठीक है, ये जो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है, यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रोन जी आपके थर्ड आई चक्र पर कार्य कर रहे हैं, आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र पर और थ्रोट चक्र पर कार्य करें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि आपके माइंड में ऐसे डाउट वाली एनर्जी क्रिएट करना और आपके पर्सन के थ्रोट चक्र पर प्रोजेक्शन करना, ये कोई फीमेल पर्सनालिटी भी हो सकती है जो आपके पर्सन के द्वारा कहीं ना कहीं आपके तरफ प्रोजेक्शन करने की कोशिश करती है, लेकिन मुझे बहुत लोगों के लिए मेल पर्सनालिटी भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप दोनों की जो एक दोनों का जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को कहीं ना कहीं डगमगाने के लिए, कहीं ना कहीं आपका जो सोल पर्पस है जो साथ में, वो आप सही तरीके से ना कर पाएँ, इसके लिए ये सारी चीज़ें इन्होंने क्रिएट की है। और मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है आपको इमोशनली डिसबैलेंस करके, ताकि आप आगे ना बढ़ें। हमेशा से ही यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपको, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप किसी के साथ भी जुड़ जाए तो उनका
उनके लाइफ में जो है प्रोग्रेस जरूर आएगा, एक ऐसा लक है आपके साथ, लेकिन आपको इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी क्योंकि ये लोग ऐसी बातें आपके सामने हिडन है ना, तो ऐसी चीज़ आपके सामने में किया करते थे जिससे कि आप डीमोटिवेट हो जाएं और आप एक कार्य को छोड़ दें, दूसरा कार्य प्रारंभ करें, दूसरे कार्य में भी इनकी नज़र लग जाए। इस प्रकार की एनर्जी आपके या आपकी एनर्जी हो सकती है आपके सोल पर्सन के लाइफ में, कहीं ना कहीं एक कार्य छोड़ के दूसरा कार्य, क्योंकि ये कभी भी नहीं चाहते थे कि आप स्टेबल हो, ठीक है। आपको इमोशनली डिसबैलेंस करना और अपने आसपास भी रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से डिस्टेंस हो गए, तो जब आप पूरी तरीके से डिस्टेंस हो गए तो इनके लाइफ में डिसबैलेंस आ रहा है, और इन लोगों के लाइफ ये अगर आपके आसपास के हैं तो इनके लाइफ में डिसबैलेंस है। अगर ये आउटसाइडर है तो आपसे बात नहीं कर पा रहे, आपकी एनर्जी नहीं मिल रही, तो ये डिसबैलेंस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप और आपके पर्सन पूरी तरीके से इनसे जो है डिटैच हो रहे हैं, पूरी तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि डिस्टेंस आपने क्रिएट कर लिया है, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का जो है आभास हो गया है। आप स्पिरिचुअल यात्रा में मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर द मून की एनर्जी है, दोनों ही एनर्जी काफ़ी, और यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स की, जो पूरा क्लियर समझ में आ रहा है कि ब्लैकनेस तो बिल्कुल हुआ है, जून जुलाई के मंथ में हुआ है, अगस्त के मंथ में हुआ है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में यहाँ पर सेलिब्रेशन आ रहा है, आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है। यही कारण है कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप और आपके सोल पर्सन बहुत अच्छा जो है इमोशनली टाइम स्पेंड करेंगे, आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपने पूरी तरीके से भरोसा रखा है, आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, आपके लाइफ में सोल फैमिली मेंबर आएंगे। इनमें से बहुत लोग आपके कार्मिक मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से हील हो गया है। कुछ लोगों के लिए ये अभी भी आपसे जेलस हैं और अभी भी आपसे मीठी मीठी बातें करना चाहते हैं, अभी भी आपको आपकी एनर्जी पर रीच करना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन आप में से बहुत लोगों ने इनसे मैं समझ पा रही हूँ और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ परमात्मा जी की कृपा से कि आपने डिस्टेंस क्रिएट किया है, और आपने डिस्टेंस क्रिएट किया नहीं, परमात्मा जी की कृपा से यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। यही कारण है कि आप किसी ऐसे लोगों से यदि नहीं मिल पा रहे हैं, यदि नहीं बात कर पा रहे हैं या डिस्टेंस में है, तो आप समझ जाइए कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आप नहीं समझ पाए थे। यहाँ पर परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, और जो आपके सोल फैमिली मेंबर है वो आपसे कभी भी दूर नहीं है, चाहे सोल लेवल पर हो वो हमेशा आपके साथ है। आपके जो एंसिस्टर्स हैं उनकी कृपा बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। टेक केयर।